देश के कई सारे पर्यटक स्थल दिल्ली, हिमाचल, गोवा में बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर से कहीं ज्यादा है। मैं मानता हूं इस उपलब्धि में टूरिज्म सेक्टर का बड़ा भारी योगदान है और इस आयोजन में वेडिंग डेस्टिनेशन, फिल्म टूरिज्म तथा माइस टूरिस्ट मैनेजमेंट पर भी चर्चा होगी। इन तीनों क्षेत्रों में कश्मीर में काफी संभावना है, चाहे वो ऑफ साइट मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो या बिजनेस प्रदर्शनी हो, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है। और कुछ स्थानों पर मुझे लगता है इस तरह के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में मार्केटिंग तथा प्रमोशन के लिए कुछ दिन पहले ही अलग अलग शहरों में हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रोड शो किया था। अभी जो परिचर्चा हो रही है उसमें इस क्षेत्र से जुड़े कई एक्सपर्ट भी शामिल हैं। मुझे उम्मीद है उनके सुझावों से इस दिशा में काफी मदद मिलेगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमने कई नीतिगत हस्तक्षेप भी किए हैं, जिसमें इस क्षेत्र से जुड़े कई स्टेक होल्डर्स को पिछले साल आर्थिक मदद दी गई है। ट्रेवल ऑपरेटर्स तथा टूरिज्म से जुड़ी अन्य फर्मों के लिए लॉन्ग टर्म योजना लागू की गई है। ईज ऑफ ट्रेवल को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर से अब रात की फ्लाइट भी प्रारंभ हो गई है। बेंगलोर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अभी श्रीनगर से कुछ दिन पहले शुरू हुई है। कोरोना के दौर में टूरिज्म इंडस्ट्री को एक अवसर भी मिला है कि पर्यावरण के अनुकूल गुणवत्तापूर्ण पर्यटन का विकास प्राकृतिक और परिदृश्य मूल्यों के आधार पर किया जाए। इस क्षेत्र में आगे चलकर ट्यूलिप गार्डन की तरह अन्य खूबसूरत स्थलों पर भी इस तरह के गार्डन और पार्कों का विकास हो, इसकी भी कार्य योजना बनाई है। पिछले सालों में एक बहुत बड़ी तादाद से टूरिस्ट की बढ़ी है जो सिर्फ डेस्टिनेशन का ही आनंद उठाना चाहते हैं, ऐसा नहीं बल्कि वह लोकल कल्चर, लोकल क्राफ्ट, फूड और लोगों से भी कनेक्ट होना चाहते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं आने वाले समय में टूरिस्ट प्री फायर पैकेज की बजाय होल सोल एक्सपीरियंस वाले पैकेज पर काम करने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जम्मू कश्मीर के हर एक पर्यटक स्थल पर यह अनुभव मौजूद है और सभी स्टेक होल्डर के बीच इसके इंफॉर्मेशन शेयरिंग तथा प्रमोशन की आवश्यकता है। विश्व के प्रमुख बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि विस्तृत सामंजस्य के जरिए टूरिज्म इंडस्ट्री के विकास की लौ ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। जम्मू कश्मीर में मैं मानता हूं कि इसका असर दिखना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। मैं देश के विभिन्न हिस्सों से आए सभी डेलीगेट्स का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं और भारत सरकार के पर्यटन मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मुझे भरोसा है कि इन तीन दिनों में भी जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर प्रशासन इस पर गंभीरता से काम करेगा। और निश्चित रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि देश में सबसे ज्यादा पर्यटक इस वर्ष जम्मू कश्मीर में आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।